24 और हम अभी समझिए कि आज हम लोग मिलने आए पटना के जो नामी जो पटना में समझिए कि जितने भी मंत्री विधायक उनके क्षेत्र से जो भी आते हैं और उसको जा करके कहा कि बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट करवाते हैं उनके संदर्भ में। अब हम पहले बात करेंगे मिस्ट्री हेल्पिंग फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन जो गरीबों के बीच में और गरीबों के हित के लिए हमेशा खड़े उतरते हैं। इस बीच हम बात करेंगे आज इन दोनों ने मिलकर के सम्मानित किए विकास का हौसल जी। पहले तो धन्यवाद करूँगा आपको और आपके चैनल को। देखिए इंस्पायर बिहार के संस्थापक आईजी विकास बैभव जी से मिलना हुआ, सम्मानित किया गया। उनके कार्य से हम लोग बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा हमको दे दिया है कि हम लोग जाते हैं, हम लोग गए तो सम्मान के उन्होंने और उन्होंने हमें ग्रुप से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि बिहारी जी कभी कोई समस्या है तो हम भी आपके साथ में, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, तो सभी को मिलकर हम लोग कुछ ना कुछ देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जो समस्या आती है लोगों को निपटारा किया जा सकता है, तो हमको मिलकर कार्य करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी आदमी अकेला सेफ नहीं है हमारे देश में, ठीक है। हर एक आदमी को चलने को तैयार है अकेले आदमी को देखकर, तो सभी को एकजुट होकर हम लोग एक लेट्स इंस्पायर बिहार के हम लोग काम करना पड़ेगा ताकि आप भी बढ़ेंगे, अब भी बढ़ेंगे, हमारा देश भी बढ़ेगा। चलिए सीधा ये देखिए, एक ही मुहिम है क्या कि लेट्स इंस्पायर बिहार, युवाओं को जोड़ा जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि आओ हम लोग बिहार के लिए कुछ करें। अब हम बात करेंगे जो समझिए क्या है कि मंत्री और विधायक के कहने पर सरकारी हॉस्पिटल्स में वह गरीब आदमी को नंबर लगवा करके ट्रीटमेंट करवाते हैं। मुकेश जी से बात करेंगे। जी जी प्रणाम, न्यूज भारत न्यूज 24 को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से सैल्यूट करता हूँ। राजू जी बीटू जी के माध्यम से IPS IG विकास वैभव सर के आवास पे आए, उनसे मिले, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ग्रेट पर्सन है और आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि सर विकास वैभव सर का भी आवास है और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं तो माननीय विधायक मंत्री के तरफ से जो भी पेशेंट उनके क्षेत्र से आते हैं उनको ये IC दिक्कत नहीं, वो अगर किसी मरीज को भर्ती नहीं होता है सीरियस पेशेंट कंडीशन में तो ऐसे पेशेंट स्ट्रेचर पर डेथ हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट का हमारी कोशिश रहती है कि उनको जल्द से जल्द एडमिशन हो, उनकी ट्रीटमेंट चालू हो, ICU हो, वेंटिलेटर हो। हाँ, तो मेरी ये कोशिश रही है और विगत वर्षों से हम इस काम में लगे हुए हैं। मुझे खुशी होती है कि मैं इसी क्षेत्र में मरीजों को उचित देखभाल और उनके सहयोग के काम आ जाता हूँ। दिल्ली से चलकर हमारे मिस्ट्री हेल्पिंग फाउंडेशन के चेयरमैन भाई विनय कुमार जी हैं और ये भी सामाजिक कार्यों में लगे हुए रहते हैं। अपने संस्था के तरफ से जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, किसी न किसी सामाजिक भेदभाव या दबंग प्रवृत्ति के लोगों से जो पीड़ित परेशान हैं, हाँ, उनकी भी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और दिल से सैल्यूट है लेट्स एम्पायर बिहार के लिए कि सर विकास वैभव सर खुद प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्देशित करते हैं। एक तो मैं हॉस्पिटल से जुड़कर लोगों की सेवा तो मैं करता ही हूँ मरीज को दिन रात, लेकिन इसके साथ ही साथ IPS IG विकास वैभव सर के जो NGO है लेट्स इंस्पायर बिहार, उनसे भी जुड़कर मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी और इस माध्यम से भी हमसे जो हो सके हम ये इस कार्य में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद धन्यवाद भारत न्यूज 24। सीधा यहाँ देखिए कि लेट्स इंस्पायर बिहार का मुहिम है कि हर एक युवाओं और हर एक जगह पे जो भी है उनको जोड़ना है, कुछ करना है और दिल्ली से चल करके पटना आए और यह सीधा विकास वैभव सर से मिले और विकास वैभव सर के लेट्स इंस्पायर बिहार को मुहिम को दिल्ली में भी पहनाएंगे। मुकेश जी हैं जो समझे कि माननीय मंत्री और विधायक के कहने पे जितने भी स्कूल्स हैं वह जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीबों को ट्रीटमेंट आते हैं। खबरों के साथ बने रहिए कुमार हसन, भारत न्यूज 24। चलिए इधर देख के आपको बोलना चाहिए।